हमारी परी आई आपके द्वार लेकर शब्द संरचना का भंडार। बच्चों, आज आपकी प्यारी परी आपको शब्द संरचना समझाएगी। आइए जरा इन दृश्यों को देखते हैं। बाजार, महल, सूरज, जोकर। बच्चों, ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं, जैसे बा जमा जा जमा र बराबर बाजार। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा र जमा जा जमा बा बराबर रजाबा। बच्चों, आप यही सोच रहे हैं, ना तो इसका कोई अर्थ है और ना ही कोई मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाजार शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है और रजाबा शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। तो बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। अरे, इन दृश्यों में क्या हो रहा है? बस जा रही है, लड़की खेल रही है, मैदान में घास है। अब यहाँ बस, लड़की और मैदान सार्थक शब्द हैं। देखते हैं कि ये शब्द किन किन वर्णों के मेल से मिलकर बने हैं। बस, लड़की, मैदान, ये तीनों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे बस ब जम अ जम स जम अ, लड़की ल जम अ जम ड जम अ जम क जम ई, मैदान म जम ए जम द जम आ जम न जम अ। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। बच्चों, पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। क तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। ख तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, दधी, सांप, सर्प, गांव, ग्राम, सच, सत्य, काम, कार्य, पहला, प्रथम, आदि। ग देशज शब्द, देशज अर्थात देश में उत्पन्न, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। घ विदेशी शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। क रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे घर, कवि, हाथी, कमल आदि। ख यौगिक शब्द, ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः
दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे रसोई जमा घर बराबर रसोई घर, नील जमा कमल बराबर नील कमल। ग योग रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, जैसे नीला जमा कंठ नील कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंक जमा ज बराबर पंकज, पंक बराबर कीचड़ में, ज बराबर जन्मा अर्थात कमल। और अंत में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, क विकारी शब्द। इनके रूप में लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। ख अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। बच्चों, आज के पाठ को पुनः दोहराती हूँ। सारांश, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। लिंग वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, आज आपको शब्द संरचना के बारे में जानकारियाँ मिली होंगी। तो बच्चों, बाय, अगले पाठ में मिलते हैं।